जय हिंद स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे मिडाइवल आर्किटेक्चर, जिसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं सल्तनत पीरियड का आर्किटेक्चर। अब हम उसको कंटिन्यू करते हैं और कौन कौन से सेक्शन मिडाइवल आर्किटेक्चर में। जैसा कि मैंने आपको समझाया कि मिडाइवल आर्किटेक्चर में अगर हम मिडाइवल आर्किटेक्चर का एक फ्लो चार्ट बनाएंगे तो उसमें सल्तनत आर्किटेक्चर है, उसमें प्रोविंशियल आर्किटेक्चर है, प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के अलावा डेक्कन का आर्किटेक्चर है, और डेक्कन के आर्किटेक्चर के अलावा वहाँ हम देखेंगे तो मुग़ल आर्किटेक्चर हमको देखने को मिलेगा। ठीक, इसी पर हम लोग आज बात करते हैं। तो कल हमने दिल्ली सल्तनत का पढ़ा है, अब हम लोग देखेंगे प्रोविंशियल आर्किटेक्चर। प्रोविंशियल आर्किटेक्चर, प्रांतीय स्थापत्य, ये मध्यकाल का है। प्रांतीय स्थापत्य, प्रांतीय स्थापत्य के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि ये अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार का देखा गया, तो पहले इसके रीजन्स देख लेते हैं कि कहां कहां था ये। बंगाल, बंगाल आर्किटेक्चर। दूसरा हमको देखने को मिलेगा मालवा, मालवा का आर्किटेक्चर को देखने को मिलेगा, जौनपुर का आर्किटेक्चर, और जौनपुर के अलावा ये आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा कश्मीर का आर्किटेक्चर, कश्मीर का आर्किटेक्चर, और फिर मिलेगा गुजरात का आर्किटेक्चर। तो प्रोविंशियल आर्किटेक्चर के इतने सेक्शन हम लोगों ने देखे हैं और इतने ही सेक्शन उसके डेवलप हुए थे उस समय। हाँ, एक प्रोविंशियल सेक्शन में बंगाल देखते हैं। बंगाल आर्किटेक्चर में सबसे पहले फर्स्ट यूज ऑफ वुडन क्लॉक्स, जो वुडन लॉक्स थे उनका यूज सबसे पहले देखने को मिला। कहां पे देखने को मिला उनका यूज? बंगाल में। और बंगाल में क्या है, सबसे फेमस इसका एग्जांपल है अदीना मस्जिद। जो अदीना मस्जिद है वो उसका सबसे फेमस एग्जांपल है, अदीना मॉस्क्यू। इसका मतलब कि अदीना मस्जिद बंगाल प्रोविंशियल का एक एग्जांपल है ना, अदीना मस्जिद, जिसमें पत्थर की दीवारों के साथ साथ लकड़ियों के दरवाजों का भी यूज़ होना शुरू हो गया था, ये बंगाल से होता है। ठीक, अगर हम जौनपुर की बात करेंगे तो जौनपुर में इब्राहिम शाह सरकी ने, इब्राहिम शाह सरकी ने यहाँ एक नई स्टाइल को जन्म दिया जिसको कह देते हैं सरकी स्टाइल। सरकी स्टाइल की विशेषता ये थी कि इसमें मिनारेट्स का यूज़ नहीं होता है, इसमें मीनार नहीं पाई जाती हैं सरकी स्टाइल। ठीक, इसमें मीनारें नहीं पाई जाती हैं। इसके एग्जांपल है हमको अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद, उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उसके ठीक बगल में अटाला देवी का मंदिर है, तो उसे अटाला मस्जिद का नाम दे दिया गया। ऐसे ही स्थानों से या उसके काम से मस्जिदों के नाम दिए जाते रहे। तो ये अटाला मस्जिद हो गया, किसका एग्जांपल है? जौनपुर का। जौनपुर में कौन सी शैली चलती है? सरकी स्टाइल चलती है, तो सरकी का संबंध जौनपुर से है, और जौनपुर मिडाइवल की प्रोविंशियल आर्किटेक्चर है। एक तो ये हुआ, दूसरा यहाँ पर झंझीरी मस्जिद भी है, झंझीरी मस्जिद भी है, वो भी यहाँ की सबसे फेमस मस्जिदों में मानी जाती है, झंझीरी मस्जिद। ठीक, इखलाक का मकबरा भी है यहाँ पर बंगाल में, इखलाक का मकबरा, इखलाक, वो भी इसका एग्जांपल है। मालवा की अगर हम बात करेंगे, मालवा में अगर हमको देखना हो तो मालवा में बहुत बड़े पत्थरों का यूज़ नहीं किया गया है, यहाँ बड़े पत्थरों का यूज़ किया गया, बड़ी दीवारों का यूज़ किया गया, लकड़ी का यूज़ किया गया, यहाँ मिनारेट्स का यूज़ नहीं किया गया। अगर हम मालवा में देखेंगे तो मालवा में सफ़ेद और हल्के काले तथा गहरे काले पत्थरों का यूज़ करके एक स्पेक्ट्रम बनाने की कोशिश की है, एक सुंदर डिज़ाइन बनाने की कोशिश की है। यहाँ मालवा के स्थापत्य में लाल पत्थर का यूज़ नहीं है, और मालवा के स्थापत्य में
होशंगशाह के समय से ही डेवलपमेंट हुआ है और मार्बल का यूज़ भी यहाँ पर व्यापक पैमाने पर देखा गया है कुछ जगहों पर मालवा में। मालवा स्थापत्य में होशंगशाह का मकबरा जो मांडू में बना हुआ है बहुत प्रसिद्ध है। कुछ बावड़ियाँ बनी हुई हैं वो प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर हिंडोला महल है वो बहुत प्रसिद्ध है। जहाज़ महल है वो अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है। तो ये हमारे किसके हैं? मालवा स्टाइल के हैं सारे के सारे। मालवा स्टाइल देखने में बहुत सीधी सादी है। आप देखेंगे मालवा स्टाइल अक्सर पहाड़ों के ऊपर इसलिए उसको बनाया गया है ताकि वहाँ पर एक कहते ना कि ईयर उनको प्रॉपरली मिलती रहे और उस ईयर के साथ साथ पानी का यूज़ बहुत किया जाता था। या तो महल के पीछे या महल के आगे पानी भरा जाता था। जैसे आप देखेंगे तो जहाज़ महल के दोनों तरफ आपको पानी देखने को मिलेगा। तो ये मालवा स्टाइल की विशेषता थी मालवा आर्किटेक्चर की। अब हम देखेंगे कश्मीर। कश्मीर के मंदिर साइज़ में बहुत छोटे होते थे, छोटे आकार के स्मॉल साइज होते थे और इसमें शिखर भी पूर्ण नहीं होता था। शिखर बहुत पूर्ण नहीं होता था और पत्थर के ही बनाए जाते थे, पत्थरों को जोड़ करके। इसमें डॉवटेलिंग टेक्निक का यूज़ नहीं करते थे, ऐसे पत्थरों को एक पत्थर के साथ फंसाने का काम नहीं करते थे। यहाँ पर हमको देखने को मिलेंगे तो ये सन टेम्पल वगैरह कश्मीर में जो बने हुए हैं वो इसके एग्जाम्पल हैं। अगर हम गुजरात को देखेंगे तो यहाँ पर महमूद बेगड़ा का मकबरा बहुत प्रसिद्ध है। महमूद बेगड़ा का मकबरा, तो बेगड़ा का मकबरा गुजराती स्टाइल में है। इसके अलावा अगर हम अटाला मस्जिद देखेंगे तो सरकी स्टाइल में है। जहाज़ महल देखेंगे तो मालवा स्टाइल में है। अटाला अदीना मस्जिद देखेंगे तो वो पूरी बंगाल स्टाइल में है। कश्मीर में जितने भी मंदिर मिले हैं वो सब कश्मीरी स्टाइल में मिलेंगे। ये बहुत डेवलप्ड स्टाइल नहीं थी क्योंकि ऊंचाई इतनी अधिक थी कि वहाँ बहुत बड़े आर्किटेक्चर बनाना संभव नहीं था। इसीलिए ये सबसे अविकसित मानी जाती थी प्रोविंशियल में। जितनी भी प्रोविंशियल है उनमें सबसे अविकसित यही मानी जाती थी। ठीक, अब हम देखते हैं कि प्रोविंशियल के अलावा उस समय और कौन कौन से पैटर्न थे आर्किटेक्चर में। इसके बाद दूसरा सबसे फेमस था मुगल आर्किटेक्चर। मुगल आर्किटेक्चर, अब देखिएगा जो मुगल आर्किटेक्चर है उसको कई तरीके से पढ़ा जाता है। कुछ लोग उसको ऐसे पढ़ते हैं कि मुगलों ने किस राजा ने क्या क्या बनवाया, कुछ लोग ऐसे पढ़ते हैं कि मुगल आर्किटेक्चर कौन कौन सी जगहों पर बना हुआ है ना। तो हम दोनों ही तरीके से थोड़ा सा समझ लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आएगा। मुगलों के जो बड़े सेंटर रहे हैं, बड़े सेंटर, उसमें एक है सबसे फेमस है फतेहपुर सीकरी। ये मुगलों की राजधानी रहा है 1571 से 1585 तक। दूसरा है आगरा, ता है दिल्ली। अगर सबसे ज़्यादा समय तक मुगलों की राजधानी रहा है तो दिल्ली रहा है। ये बड़े क्षेत्र हैं जहाँ मुगलों ने अपने आप को सबसे ज़्यादा समय दिया है और मुगलों ने सबसे ज़्यादा इन्हीं क्षेत्रों में काम किया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलेगा। और एक तो मैं बताऊँ कि मुगलों ने लाल पत्थर का, पिंक यानी कि गुलाबी पत्थर का बड़ा यूज़ किया है। गुलाबी पत्थर की सबसे बड़ी इमारत की बात करेंगे तो हुमायूं का मकबरा है जो दिल्ली में है और इसे वर्ल्ड हेरिटेज के नाम से भी जाना जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसको शामिल किया गया है। अब फतेहपुर सीकरी तो पूरा किसको डेडिकेटेड है? बादशाह अकबर को डेडिकेटेड है। यहाँ की बिल्डिंग को हम जब देखेंगे तो बिल्डिंग में सबसे पहले हमको मिलता है यहाँ पर दीवान ए आम। दीवान ए आम, दीवान ए आम का मतलब क्या है? आम लोगों का एक कोर्ट जहाँ पर कोई भी आकर के सुनवाई कर सकता है। बादशाह वहाँ पर सबसे मिलेंगे। चूंकि अकबर ने बनवाया तो ये बताने की जरूरत नहीं किसने बनवाया। फिर यहाँ का जो सबसे सुंदर आर्किटेक्चर है वो है दीवान ए खास। ये अकबर के द्वारा बनवाया गया एक ऐसा छोटा सा उसका एक प्राइवेट मीटिंग हॉल है जहाँ वो अपने कुछ स्पेसिफिक स्पेशल मिनिस्टर से ही बात किया करता था, जैसे नवरत्नों से बात किया करता था। उसमें आप देखेंगे एक छोटी सी बिल्डिंग है जिसमें एक पिलर बना हुआ है और उस पिलर पर आपको बौद्ध आर्किटेक्चर, जैन आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर,
इस्लामी आर्किटेक्चर, राजपूतान आर्किटेक्चर सब देखने को मिलेगा। तो अकबर उसे कहता था कि ये दीन इलाही जैसा है, इसमें सभी धर्मों का सार है, और उस पिलर के ठीक ऊपर एक बैठने का, खड़े होने की जगह है जिस पर अकबर खड़ा हुआ करता था, और अकबर जब वहाँ खड़ा होता था उसमें बहुत कम रोशनी होती थी, तो जिससे अकबर के चेहरे पर सारी रोशनी पड़ती थी, और नीचे के फ्लोर पर सारे उसके दरबारी या खास लोग खड़े होते थे, जहाँ से जब अकबर उनको आदेश देता था तो ऐसा लगता था कि कोई दार्शनिक अंदाज में आदेश दे रहा है, और लोग अकबर के उस व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होते थे। तो जो दीवाने खास है वो देखने लायक है, जो वहाँ पर बना हुआ है फतेहपुर सीकरी में, जो अकबर ने बनवाया लाल पत्थर का, पूरी फतेहपुर सीकरी ही लाल पत्थर की बनी हुई है। फिर है वहाँ पर जोधाबाई का महल, जोधा पैलेस। ये फतेहपुर सीकरी में बनी हुई बिल्डिंग्स में सबसे बड़ा है। इसके अलावा है वहाँ पर पंचमहल, पंचमहल। फिर है अनूप तालाब, अनूप तालाब अकबर के सैन्य कक्ष के ठीक सामने बना हुआ है। उसमें चार अलग अलग रास्ते हैं, पानी भरा रहता है, बीच में एक चबूतरा है जिस पर तानसेन बैठते थे और तानसेन उस पर गाते थे, तो बड़ा सुंदर नज़ारा रहा होगा। पंचमहल शाम के समय विचरण करने का है। पंचमहल के ठीक सामने शतरंज की बिसात है, बिसात बनी हुई है, और यहीं इसी जगह पर फतेहपुर सीकरी में हम देखेंगे तो कुछ और भी आर्किटेक्चर देखने को मिलेंगे, जैसे बीरबल का महल, अकबर के सेनापति बीरबल का महल, जो बाहर से डबल स्टोरी दिखता है लेकिन है वो सिंगल स्टोरी। इसके अलावा हिरन मीनार, हिरन मीनार जिसे अकबर ने अपने प्रिय हाथी हवाई के लिए बनवाया था, हाथी के हवाई के लिए, और इसी मीनार के पास से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक मैदान दिखता है जिसे कहते हैं खानवा का मैदान, यमुना नदी के किनारे। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में दिखाई देगा वीरसेन का महल, वीरसेन की कुटिया कह लीजिए या महल कह लीजिए, ये जैन परंपरा के आधार पर बनी हुई है। इसके अलावा वहाँ दिखाई देगा जामा मस्जिद, जामा मस्जिद जिसके दरवाजे को कहते हैं बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा। ये पूरी फतेहपुर सीकरी अकबर ने 1571 में गुजरात को जीतने के बाद बनाई थी। गुजरात जीत करके अकबर को बहुत धनराशि मिली, और अकबर ने उस धनराशि का यूज़ बड़े कंस्ट्रक्शन कराने के लिए यूज़ किया, और फतेह यानी कि जीत, तो जीत का शहर उसने बसाया फतेहपुर, जिसके बगल में गांव था सीकरी, इसलिए इसको फतेहपुर सीकरी के नाम से जानते हैं। सीकरी गांव के पास उसने बसाया था, और अकबर ने वहां पर कुछ और चीज़ें लगवाई थी, जैसे कहते हैं कोस मीनार। कोस मीनार का मतलब यह था कि दूरी को नापने के लिए लगवाई गई थी। एक कोस लगभग 3 किलोमीटर के बराबर होता है, इसलिए हर कोस पर एक मीनार लगी थी, जिससे पता लगता था हम कितनी मीनार चल के आए, तो ये तय हो जाता कि हम कितनी दूरी तय कर चुके हैं। और इसी कंपाउंड में, जामा मस्जिद के कंपाउंड में हमको देखने को मिलेगी एक दरगाह, जो है सलीम चिश्ती की दरगाह। सलीम चिश्ती की दरगाह है। अकबर ने जब इसे बनवाया था तो रेड सैंडस्टोन से बनवाया था, जहांगीर ने इस पर वाइट मार्बल लगवाया है, पूरा का वाइट मार्बल। तो अभी ये पूरे के पूरे चारों तरफ के लाल, उसमें बीच में एक सफ़ेद सा दिखता है, अच्छा चमकता है। और बुलंद दरवाज़ा भी उस समय अकबर ने जो बनवाया, आज भी अगर कोई एंट्रेंस गेट देखा जाए तो उससे बड़ा एंट्रेंस गेट अपने को देखने को नहीं मिलता है, बड़ा विशाल दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया। तो फतेहपुर सीकरी अकबर ने लगभग 71 से लेकर 85 तक रहा। वहाँ पर पानी की बड़ी समस्या थी, ऊंचाई बहुत थी पहाड़ी पर, तो जनता बहुत परेशान होती थी, इसलिए अकबर ने राजधानी को फिर से शिफ्ट कर दिया, और कुछ समय के लिए राजधानी उसने काबुल घोषणा की थी, क्योंकि काबुल में उसको लगातार अटैक हो रहे थे काबुल के क्षेत्रों से, क्योंकि काबुल के क्षेत्रों में अकबर की एक सौतेली माँ थी महाचूचक बेगम। महाचूचक बेगम का जो लड़का था मिर्ज़ा, वो अकबर के साम्राज्य पर अटैक कर रहा था, तो अकबर ने उनसे लड़ने के लिए कुछ समय तक के लिए अपनी राजधानी को काबुल स्थानांतरित किया। बाद में फिर वापस वो आगरा और दिल्ली के क्षेत्रों में आ गए थे राजधानी को लेकर के। तो ये था फतेहपुर सीकरी का आर्किटेक्चर कि हमको वहाँ क्या क्या मिलेगा। और मैंने कहा है कि फतेहपुर सीकरी का अगर एरियल व्यू लिया जाए तो ऐसा लगेगा जैसे बीच रेगिस्तान में एक टेंट लगा हुआ है, क्योंकि मुगलों के आर्किटेक्चर से हमको ये देखने को मिलता है कि उनकी लाइफ खानाबदोश रही थी, और खानाबदोश लाइफ में लोग अक्सर ऐसे ही तंबू लगाकर रहा करते हैं।
तो वैसे ही डिजाइन विजाइन सब हमको देखने को मिलते हैं फतेहपुर सीकरी में। ऐसा लगता है कि शहर को एक तंबू नुमा शहर बसाया गया पूरा का पूरा। तो ये मुगलों के आर्किटेक्चर की देन है जो हमको उन्होंने दी। और विशाल बिल्डिंग बनवाते थे मुगलों के आर्किटेक्चर में। अगर हम बाबर की बात करेंगे तो बाबर ने ही यहाँ पर एक नई स्टाइल को जन्म दिया था, चारबाग स्टाइल को। किसी भी बिल्डिंग के बाहर बड़ी संख्या में एक गार्डन, बड़ा गार्डन जिसको चार इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए और उन हिस्सों को डिवाइड करते वहाँ बहता हुआ पानी और हरी घास दिखना चाहिए। ये दोनों ही जन्नत की निशानी माने जाते हैं, इसीलिए उन्होंने इन चीज़ों का बड़ा बेहतर यूज़ किया। और ये फतेहपुर सीकरी का स्थापत्य है। तो फतेहपुर सीकरी कैपिटल था अकबर के समय पर। अब हम देखते हैं आगरा का स्थापत्य। आगरा के स्थापत्य में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए। अगर मुगलों की ओर से देखेंगे तो पहले तो आगरा का लाल किला ही है, रेड फोर्ट है आगरा का किला। उस आगरा के किले में एक तो है जहांगीर महल, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, अकबर के बनाई हुई बिल्डिंग है ये, रेड सैंडस्टोन से बनी हुई। इसके अलावा वहाँ देखने को मिलेगा दीवान ए खास और दीवान ए आम। देखिए यहाँ पर दीवान ए खास और दीवान ए आम दो हैं। एक अकबर ने बनवाए थे जो ख़त्म हो गए, नष्ट हो गए हैं, रिउंड हो गए हैं। शाहजहाँ ने जो बनवाए थे अभी हमारे अवेलेबल हैं आगरा में, वो वाइट मार्बल के दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे जो अकबर ने बनवाए थे वो रेड सैंडस्टोन के थे अकबर, और जो शाहजहाँ ने बनवाए थे वो वाइट मार्बल के हैं, जो आज भी दिखाई देंगे। आप आज भी देखने जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे आगरा के किले में। आगरा में ही अगर आप देखेंगे तो वहाँ एक चीज़ और मिलती है, एतमा उद्दौला का मकबरा। एतमा उद्दौला का मकबरा। एतमा उद्दौला कौन थे? ये ग्यास बेग को कहा जाता है। ग्यास बेग नूरजहाँ के फादर थे। जहांगीर ने नूरजहाँ की पूरी फैमिली को शेल्टर दिया होता, अपने यहाँ पनाह दी थी। जो नूरजहाँ थी उसका एक्चुअल नाम मेहरुन्निसा था, मेहरुन्निसा था, एंड सी गॉट मैरिड बेत अली कुली। एक अच्छा कमांडर था बेग कमांडर अली कुली, उससे उसकी शादी हुई थी। पर अली कुली की डेथ हो गई लाहौर एक्सपेडिशन में, तो उसकी पूरी फैमिली को जहांगीर ने अपने यहाँ संरक्षण दिया और उसके पिता गयास बेग को भी रखा, उसके भाई आसफ खान को भी रखा, उसकी माँ असमत बेगम को भी रखा और मेहरुन्निसा को भी रखा। फिर बाद में 1614 में जहांगीर ने इससे शादी कर ली मेहरुन्निसा से, और मेहरुन्निसा को नाम दे दिया नूरजहाँ। तो वो नूरजहाँ के नाम से फेमस हुई और उसके फादर को टाइटल दे दिया एतमा उद्दौला का, जिसका मकबरा नूरजहाँ ने बनवाया था आगरा में यमुना नदी के किनारे, जिसे बेबी ताज भी कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि इसी एतमा उद्दौला के मकबरे से ही प्रेरणा ली थी ताजमहल के कारीगरों ने और शाहजहाँ ने कि इसका ही एक ग्रांड वर्जन हमको बनाना है। तो आप जाएंगे तो वो भी आपको एक मार्बल की सुंदर सी इमारत वहाँ पर दिखाई देगी आराम बाग के बगल में। तो आगरा में बहुत चीज़ें हैं, क्योंकि आगरा बहुत समय तक मुगलों की राजधानी रहा है। आगरा में ही अगर आप और जाएंगे तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा टॉम्ब ऑफ अकबर। अकबर का मकबरा जो एक्चुअली में बना हुआ है सिकंदरा में बड़ा सुंदर मकबरा है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। उसका टोटल एरिया है 120 एकड़ में अकबर का मकबरा फैला हुआ है। गार्डन बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं और उसमें लगभग 44 कब्र बनाई गई थी। अकबर उसे अपना मुगलों का खानदानी कब्रगाह बनाना चाह रहे थे कि यहाँ सभी को दफनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिसकी जहाँ डेथ हुई वहीं परिस्थितियों के अनुसार उनको दफना दिया गया। इस तरह से वो 44 कब्र में से आज 40 कब्र खाली पड़ी हुई हैं अकबर के मकबरे में, और जिस सिकंदरा में बना हुआ है। और इसी मकबरे से 1 किलोमीटर दूर बना हुआ है मरियम उस जमानी का मकबरा। मरियम उस जमानी उसे कहा जाता है जिस महिला से उत्पन्न पुत्र को राजगद्दी मिले, राजगद्दी का वारिस बने, और जोधाबाई से जो पैदा हुआ था सलीम उसको मुगलों की गद्दी मिली
और इसीलिए जोधाबाई को टाइटल दिया गया मरियम उस जमानी। तो मरियम उस जमानी के नाम से उनको जाना जाता था और उनके मकबरे पर लिखा हुआ है मरियम उस जमानी। तो ये दोनों बगल बगल में ही हैं, हालांकि बनने का समय अलग अलग है। अकबर की डेथ 1605 में हुई, मकबरा अकबर ने पहले से बनाना शुरू कर दिया था अपनी पूरी फैमिली के लिए, वहीं उसको बरीड किया गया। मरियम उस जमानी की डेथ हुई 1623 में, ये 1623 में। तो मरियम उस जमानी के मकबरे को उनके बेटे जहांगीर ने बनवाया, जबकि शाहजहाँ के मकबरे, अबू अकबर के मकबरे को खुद अकबर ने शुरू किया, फिर जहांगीर ने उसको पूरा करवाया। इसके अलावा हमको आगरा में देखने को मिलता है जिसको कहते हैं चीनी का रोजा, चीनी का रोजा। और चीनी का रोजा क्या है? ये चीनी का रोजा है, वहाँ एक शासक हुए थे अफजल बेग, अफजल सर अफजल। तो अफजल किसके दरबार में थे? पहले जहांगीर के दरबार में थे, फिर शाहजहां के दरबार में चले गए। अच्छे कवि थे, लेखक थे, सलाहकार थे। तो उनका मकबरा बना हुआ है जिसका फेस हज की उसकी ओर किया गया है, मक्का की तरफ। और उस मकबरे को चीनी का रोजा के नाम से जानते हैं। जैसे ये सब टाइटल याद रखिएगा, एक और मुगलों का मकबरा है जिसको भूल भुलैया कहते हैं, ये आदम खान का मकबरा है। आदम खान वो है जो महामंगा का बेटा था, है ना, महामंगा का बेटा था। अकबर उसे अपना भाई जैसा ही मानते थे, लेकिन जब आदम खान ने अकबर के एक वफादार कमांडर अतका खां को मार दिया, तो फिर अकबर ने उसको आगरा के किले में छत से फेंक करके मारने का आदेश दिया और आदम खान की डेथ हो गई, जिसके मकबरे को आज हम भूल भुलैया के नाम से जानते हैं। उसके मकबरे के ठीक बगल में उनकी माँ महामंगा का मकबरा भी स्थित है। ठीक, तो मुगलों के जो डिज़ाइंस थे बिल्डिंग्स के, उसमें हम देखेंगे कि एक तो सिमेट्रिकल डिज़ाइन बहुत बनाए गए उन्होंने, सिमेट्रिकल डिज़ाइन बहुत व्यापक रूप से बनाए गए। मिनारेट्स का यूज़ बहुत किया गया, रेड सैंडस्टोन, पिंक सैंडस्टोन, वाइट मार्बल, इनका एक्सटेंसिव यूज़ शुरू कर दिया उन्होंने, एक्सटेंसिव यूज़ शुरू किया गया। और जो सबसे बड़े जो डिज़ाइन उस समय देखने को मिले, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, वो तीन बड़े डिज़ाइन हमको देखने को मिले मुगल समय पर। एक को कहते थे मोजाइक डिज़ाइन, एक को कहते थे पित्रा दीवरा, और एक को कहते थे अरबस्क। अरबस्क ये तीन मुगलों की देन थी। और एक और इसमें जोड़ते हैं हम चार बाग, चार बाग स्टाइल, ये हमको देखने को मिले मुगल काल के दौरान। और ग्रेट ग्रांड बिल्डिंग बनाई गई। अगर हम मटेरियल की बात करेंगे मुगल पीरियड में, तो हमको देखने को मिलेगा रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन, पिंक सैंडस्टोन, रेड पिंक सैंडस्टोन और वाइट मार्बल, कोटा स्टोन, ठीक, और जेम्स, जो बड़े बड़े हीरे जवाहरात थे उनको भी बिल्डिंगों में सजाया जाता था। ये थी मटेरियल जो मुगलों ने यूज़ किया, ये थी टेक्निक जो मुगलों ने यूज़ की बनाने के लिए, डिज़ाइन जो यूज़ किए इसके। इनमें होता क्या है मैं पहले बता दूँ एक बार और, इसमें पत्थर के छोटे छोटे रंगीन टुकड़ों को मिला करके छोटे छोटे ऐसे अरेंज किया जाता है, फिर इसको फाइन करके उन पत्थरों के एक एज निकाला जाता है, जिसको हम मोज़ाइक डिज़ाइन कहते हैं। और यह है पित्रा दीवरा, इसमें मार्बल की दीवारों पर छोटे छोटे सुराख करके हीरे जवाहरात लगा दिए जाते हैं, जो रोशनी के कारण से बहुत तेज चमकते हैं। अरबस्क स्टाइल क्या है? इसका मतलब होता है कुरान को आयतों को बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में हम लोग दीवारों के ऊपर लिखते हैं, इसको अरबस्क स्टाइल कहते हैं। इसके अलावा चारबाग स्टाइल, आपको बताया होगा किसी भी बिल्डिंग के बाहर बड़ा सा गार्डन, उस गार्डन के चार हिस्से कर दिए जाएंगे, और ये चारबाग स्टाइल कहलाती थी, जो आपको आगरा के मुगलों के हर एक बड़े बड़े आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगी। तो ये थे मुगल आर्किटेक्चर, ये मटेरियल यूज़ किया गया, ये टेक्निक यूज़ की गई है, और ये जो इन्होंने बनवाया है, जो बनवाया है वो भी मैंने बताया है कि कहाँ पर क्या क्या बनवाया है। मुगलों के आर्किटेक्चर की बात हो और ताजमहल की बात ना हो, ये कैसे पॉसिबल है? तो अगर हम ताजमहल की बात करेंगे तो ये तो सबको पता है शाहजहां ने बनवाया। ताजमहल के बारे में या शाहजहां के बारे में दो चीज़ें समझ लीजिए, इसके प्रोजेक्ट दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट थे।
एक था प्रोजेक्ट ताजमहल और एक था प्रोजेक्ट लाल किला रेड फोर्ट। ये दोनों उसने बनवाए हैं। ताजमहल लगभग 1631 से लेकर के 1652 में बनके तैयार हुआ और इसका इनॉग्रेशन 1653 में हुआ ताजमहल का। ये इसकी बात करेंगे तो ये 1631 से शुरू हुआ और 1638 से शुरू हुआ और उसको बनने में ज़्यादा समय नहीं लगा, 9 साल का समय लगा। 1638 से बनना शुरू हुआ और 1647 के आसपास बनके तैयार हुआ, 48 के आसपास बनके तैयार हो गया। दोनों को बनाने वाले की टीम एक ही थी, उस्ताद ईसा खां अहमद लाहौरी साहब थे जो इसको बनाते थे। एक्सटेंसिव यूज़ किया गया रेड सैंडस्टोन का, एक्सटेंसिव यूज़ किया गया यहाँ पर वाइट मार्बल का। दोनों का अलग अलग डिज़ाइन बनाया गया है। इसको बनाया गया है किसके फॉर्म में, जैसे अकबर शाहजहाँ की एक रानी थी उसका नाम था आरजूमंद, आरजूमंद बानो बेगम, जिनकी डेथ एमपी के बुरहानपुर में हुई थी, बुरहानपुर में हुई थी, और इन्हीं की याद में ये ताजमहल आगरा में ताशीर करवाया गया, बनवाया गया। तो एक मकबरा है वो शाहजहाँ का भी, खुद का मकबरा भी, शाहजहाँ को भी वहीं बरीद किया गया। ये मुग़लों की राजधानी शहर का किला था, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, घूंघट की दीवार, घूंघट की दीवार, शाही हमाम, बहुत सारी चीज़ें, और मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन बुर्ज लगभग सभी किलों पर है, आगरा के किले पे बहुत फेमस है मुसम्मन बुर्ज, जहाँ शाहजहाँ ने अपनी आखिरी सांस ली थी। अब यहाँ देखेंगे तो दीवाने आम दीवाने खास मार्बल के, मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई थी दिल्ली में, ये औरंगजेब का क्रिएशंस है। अगर हम बात करेंगे घूंघट की दीवार तो ये भी औरंगजेब ने ही बनवाई थी। लाल किले के बाहर औरंगजेब ने उसको सिक्योरिटी देने के लिए एक सुरक्षा की दीवार बनवाई थी, सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि किला बहुत सुंदर था, उसको आकर के ही कोई नष्ट ना कर दे और अचानक ही किले पर कोई आक्रमण ना करे, इसीलिए उसने सिक्योरिटी के लिए दीवार बनवाई। शाहजहाँ ने कहा था कि ये दीवार घूंघट की दीवार, इसने एक सुंदर दुल्हन के चेहरे पर घूंघट डाल दिया है, वो किले को बहुत सुंदर मानते थे। और आज भी दिल्ली का लाल किला बहुत सुंदर है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें एक नौबत खाना है जहाँ कोई भी गेस्ट आता था उसके लिए नौबत यानी संगीत बजाया जाता था। जिस दिन बादशाह का जन्मदिन होता था संगीत दिन 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 रात बजता रहता था। तो ऐसा माना जाता है कि वो मुग़लों की शाही और जो उनकी लाइफ होती थी उसकी निशानी आज बची हुई है लाल दिल्ली का लाल किला। तो दिल्ली का लाल किला बहुत फेमस है और ये वो जगह है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लास्ट ऑफिस होल्ड किया था, वो दिल्ली का लाल किला ही है। और दिल्ली के लाल किले पर ही अंग्रेज़ों का आखिरी ऑफिस बना रहा था आज़ादी के समय तक, जिसे उन्होंने 15 अगस्त 1947 को खाली किया था और इंडिया जो इंग्लैंड का जो झंडा था यूनियन जैक उसको नीचे उतार करके हमारा ट्राई कलर तिरंगे झंडे को उस पर फहराया था नेहरू जी ने। ये स्वतंत्रता का प्रतीक है, इसलिए आज भी हम उसी किले की दीवार पर 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं इसीलिए। तो ये मुग़लों का आर्किटेक्चर है। अब इसमें ये भी देखेंगे कि मुग़ल जो बादशाह थे उन बादशाहों में आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस तो ठीक है, उनके जो मकबरे बने हुए हैं उन मकबरों को कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि कहाँ कहाँ बने हुए हैं। जैसे बाबर की बात करेंगे तो वो काबुल में बना हुआ है, हुमायूं की बात करेंगे तो दिल्ली में बना हुआ है, पिंक सैंडस्टोन का है। अकबर की बात करेंगे तो सिकंदरा में बना हुआ है। जहांगीर की बात करेंगे तो सहादरा लाहौर में बना हुआ है, रावी नदी के किनारे। शाहजहाँ की बात करेंगे तो ये आगरा में ताजमहल उसी का मकबरा है और मुमताज़ का भी मकबरा है। इसके बाद औरंगजेब की बात करेंगे तो वो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में बना हुआ है। तो पहले ये देखते हैं कि ये मुग़लों के बे रूलर हैं जो सबसे पावरफुल रहे हैं
ऐसा नहीं है कि ये लास्ट मुगल रूलर हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो बहादुर शाह, जहादर शाह, फर्रुख सियर, रफ़ीउद्दरजात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, उसके बाद शाह आलम, आलमगीर, शाह आलम सेकंड, और शाह आलम के अलावा एक और दिखाई देते हैं जिसको कहते हैं अकबर सेकंड, और अकबर सेकंड के बाद बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर हमको वहाँ दिखाई देते हैं, लेकिन जो सबसे प्रोमिनेंट रूलर रहे थे वो यही हैं। इसमें बाबर का मकबरा वर्ल्ड हेरिटेज नहीं है चूँकि वो यहाँ है भी नहीं। हुमायूं का मकबरा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होता है, जो वर्ल्ड हेरिटेज में है उसको हम लोग ग्रीन से कर देते हैं। दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज में शाहजहाँ का मकबरा, जो कि आगरा का ताजमहल है, वो तो वर्ल्ड हेरिटेज में होगा ही। कितने मकबरे ऐसे हैं जो हिंदुस्तान से बाहर बने हुए हैं? तो एक तो ये है, अब्रोड में बना हुआ है, यानी कि अफगानिस्तान में बना हुआ है। एक जहांगीर का बना हुआ है जो पाकिस्तान के और उसमें है, सादरा में बना हुआ है। औरंगजेब का तो भारत में ही बना हुआ है। इसके बाद, इसके अलावा जो लास्ट मुगल रूलर था बहादुर शाह जफर, उसका टाइटल था जफर। उसका मकबरा भी कहाँ बना हुआ है? उसका मकबरा बना हुआ है म्यांमार में, रंगून में, क्योंकि उसे पेंशन देकर के रंगून पर मुगलों ने भेज दिया था, अंग्रेज़ों ने भेजा था 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो उसका मकबरा हिंदुस्तान से बाहर है। तो टोटल 3 मुगल बादशाहों के मकबरे हिंदुस्तान से बाहर हैं। 2 मुगल बादशाहों के मकबरे ऐसे हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल होते हैं। ठीक, फिर मुगलों के मकबरों के अलावा मुगलों ने बड़ी बिल्डिंगों को बनाना शुरू किया जिसमें बाग बगीचे होते थे, जैसे शालीमार बाग है, निशांत बाग है, आगरा का आराम बाग है, ये सारे मुगलों की देन है। तो आर्किटेक्चरल जो इन्फ्लुएंस है मुगलों का वो ट्रमेंडस है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ट्रमेंडस इन्फ्लुएंस उन्होंने यहाँ पर छोड़ा है, जो आज भी हमारे यहाँ कई क्षेत्रों में, जैसे उत्तर प्रदेश में ताजमहल रेवेन्यू का एक अच्छा सोर्स है, आगरा का लाल किला एक बहुत अच्छा सोर्स है, दिल्ली का रेड फोर्ट रेवेन्यू का बहुत अच्छा सोर्स है। तो मुगलों ने जो आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हमको दिया है, देखिए कौन सी बिल्डिंग कहाँ पर है एवरीवन नोस, सब जानते हैं उस चीज़ को। हमको ये जानना है कि बिल्डिंग को इतना भव्य बनाने के पीछे क्या लॉजिक रहे, इतना एक्सटेंसिव मटेरियल क्यों यूज़ किया गया। तो इसमें 2-3 चीज़ें दिखाई देती हैं, एक तो ग्रेटनेस दिखाई देती है, दूसरा डेडिकेशन दिखाई देता है आर्किटेक्चर के लिए। बड़ी संख्या में आर्टिस्टों को बाहर से बुलाया जाता था और भव्य बिल्डिंग बनवाई जाती थी। तो ये चाहे ताजमहल कॉम्प्लेक्स हो, दिल्ली का लाल किला कॉम्प्लेक्स हो, या आगरा का फोर्ट कॉम्प्लेक्स हो, ये सभी बहुत ग्रांड आर्किटेक्चर्स हैं। और मैंने बता दिया कौन कौन से पैटर्न वो लेके आए थे, किन किन मटेरियल का उन्होंने यूज़ किया है। ठीक, तो ये सब मुगल आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चरल इम्पोर्टेंस की बात कर रहे थे, मिडावल आर्किटेक्चर की। इस मिडावल आर्किटेक्चर में हम लोग बाकी आर्किटेक्चर देख चुके हैं, डेक्कन में भी दिखाई देते हैं कुछ आर्किटेक्चर, जैसे मीनाक्षी का मंदिर, हम्पी का मंदिर, ये विजयनगर के समय के आर्किटेक्चर हैं जो बहुत फेमस हैं। गोलकुंडा की बात करेंगे तो वहाँ अपन को जो गोल गुम्बद है वो दिखाई देगा, ये भी हमारे दक्कन आर्किटेक्चर का एक बड़ा पैटर्न है। तो कौन कौन से आर्किटेक्चर कहाँ कहाँ पर शेल्टर दिए गए मिडावल में, इसकी हम लोग बात कर रहे थे। मॉडर्न आर्किटेक्चर ब्रिटिशर्स के साथ आया, उन्होंने बहुत नई नई चीज़ आर्किटेक्चर को दी, आज भी दिखाई देती हैं। इस पर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आर्किटेक्चर के या फिर आर्ट एंड कल्चर के। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग।